व्यूअर्स वेलकम बैक टू द माई चैनल सिविल इंजीनियर्स प्रो। तो आज की इस वीडियो में जूनियर इंजीनियर वाली 2020 के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जयपुर के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर बहाली पे कुछ रिक्तियां मतलब बहाली निकाला गया था, ये मार्च के महीने में था। लेकिन आप सभी को ये भी पता है कि कोरोना वायरस कितना विकराल रूप ले लिया है, जिसकी वजह से जो है प्रत्येक एग्ज़ाम और फॉर्म के डेट पर जो है असर पड़ा है। तो छात्रों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जयपुर बोर्ड ने इसे रीओपन किया है, यानी कि आप फिर से इस अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसका डेट जो है 24 जून 2020 से रीओपन हुआ है, यानी 24 से लेकर मतलब कि आखिरी जो डेट है वो मैं नोटिस के माध्यम से जो आपको बताऊँगा, जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा नोटिस जारी किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए उस नोटिस को पढ़कर बताते हैं और उसमें क्या क्या डिटेल्स में दिया हुआ है वो सभी आपके सामने रखेंगे और डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर मेरे वीडियो को देखते हैं और लगता है कि कुछ यूजफुल है आपके लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो मेरे इस पेज पे आप देख रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग मतलब बोर्ड जयपुर, तो इसके अंतर्गत जो बहाली निकाली गई थी जिसके लिए रीओपन फॉर्म मंगाया गया है, यानी कि अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप इस फॉर्म को भली भांति भर सकते हैं अगर योग्यता रखते हैं तो। अगर डिप्लोमा किए हुए हैं इनके बताए हुए ब्रांचेज में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 यानी जूनियर इंजीनियर की बहाली की बारी बात कर रहा है। बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2020 कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020 हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2/4 यानी 2 अप्रैल 2020 निर्धारित की गई थी। अंतिम डेट 2 अप्रैल 2020 ही था, ठीक है। अब आगे लाइन में क्या लिखा हुआ है, कोरोना प्रकोप के कारण आवेदकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा दिनांक 31/3/2020 को इस भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन उक्त दिनांक के पश्चात पुनः खोले जाने के संबंध में आवश्यक सूचना जारी की गई है। मतलब कि अभी तक जो फॉर्म नहीं भरे हैं उनकी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस फॉर्म को रीओपन किया जा रहा है। चलिए अगले लाइन में क्या है देखते हैं। तो अगले लाइन में है, अतः कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020 हेतु अभ्यर्थियों से पुनः ऑनलाइन आवेदन पत्र 15 दिवस तक दिनांक 24/6/2020 से दिनांक 8/7 यानी कि 8 जुलाई 2020 रात्रि 11:59 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। इसके पश्चात अभ्यर्थियों को आवेदन करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए ये अंतिम डेट है, समझिए। तो आप जो है 8 जुलाई 2020 तक फॉर्म भर सकते हैं, इसके आगे डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। इसलिए ये बोर्ड आपसे रिक्वेस्ट करती है कि बिना अंतिम डेट ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द आप फॉर्म भर दें अगर भरना चाहते हैं तो, ठीक है। तो चलिए, अगर फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत जो जूनियर इंजीनियर की बहाली आई हुई है तो भर दीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे बहुत 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 रिक्वेस्ट है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।